तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, बहुत खुशखबरी वाला वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों को, जो लोग भी डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ के जाते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए अक्सर पहले बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एयर इंडिया के बारे में और एयर एशिया फ्लाइट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों एयरलाइंसों का अगर आप लोगों के पास टिकट है तो किसी के एयरलाइंस में, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूँ, मान के चलिए आप लोगों के पास एयर इंडिया का टिकट है और आप लोग एयरपोर्ट पे गए हो और एयर एशिया का फ्लाइट एक घंटे दो घंटे के बाद वहाँ पे जाने वाली है और एयर इंडिया का आपका फ्लाइट है जो चार घंटा पाँच घंटे के बाद जाने वाली है, तो अब आप लोगों को ऑफर किया जाएगा कि आप एयर एशिया की फ़्लाइट में उस जगह पे जा सकते हैं जो दो घंटे एक घंटे के बाद से फ़्लाइट जाने वाली है। और ऐसे ही अगर आप लोगों के पास एयर एशिया का टिकट है और आप लोग जा रहे हैं और एक घंटा दो घंटे के बाद एयर इंडिया की फ़्लाइट उसी जगह पे जाने वाली है, तब भी आप लोगों को अब ऑफर किया जाएगा कि अब आप एयर इंडिया की फ़्लाइट से जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी एग्रीमेंट हुआ है और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कब से ये नियम लागू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक लोगों को मिलती रहेगी और आप लोग वीडियो को देख सकते हो। चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। एयर इंडिया और एयर एशिया के बीच हुए इस एग्रीमेंट से यात्री जो पहले उपलब्ध होगी उसी फ्लाइट पर यात्रा कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर मौजूद एयर एशिया और एयर इंडिया दोनों एयरलाइंस की टीमें यात्रियों से पहले उपलब्ध फ्लाइट की पेशकश कर सकेंगे। इससे यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम किया जा सकेगा। अब आप एयर इंडिया का टिकट लेकर एयर एशिया की फ़्लाइट में और एयर एशिया का टिकट लेकर एयर इंडिया की फ़्लाइट में यात्रा कर सकते हैं। इससे किसी एक एयरलाइंस की फ़्लाइट में बांधा होने पर यात्रियों को अधिक असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिस एयरलाइंस की फ़्लाइट पहले उपलब्ध होगी उसमें यात्रा कर सकेंगे। दरअसल एयर इंडिया और एयर एशिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अनुसार परिचालन में कोई दिक्कत आने की स्थिति में दोनों ही एयरलाइंस एक दूसरे के यात्रियों को यात्रा करवा सकते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एयर एशिया और एयर इंडिया ये दोनों ही एयरलाइंस अब टाटा ग्रुप के पास हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप ने सरकार से एयर इंडिया को खरीदा था। इन दोनों एयरलाइंस के बीच हुए इस एग्रीमेंट से यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी। आपको मैं बता दूं, एग्रीमेंट के तहत यह व्यवस्था 2 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। एग्रीमेंट के अनुसार यह व्यवस्था 10 फरवरी 2022 से लेकर फरवरी 2024 तक लागू रहेगी। हालांकि यह व्यवस्था केवल घरेलू उड़ानों के लिए ही लागू है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोग प्लीज़, जो लोग डोमेस्टिक फ्लाइट में सफ़र करते हैं उन लोगों तक आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग प्लीज़ वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने परिवार वालों का विशेष ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय।